हे एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग माइंड्स। आप लोग में से हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें इसके लिए या तो कोई टिप चाहिए या फिर किसी के एडवाइस, विच इज टोटली रॉन्ग। मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक्स की कंप्लीट रिसर्च करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, जिसके बाद ही आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें एंड कौन से स्टॉक को अवॉइड करें। एंड ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को स्टडी करोगे। एंड हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाइल इन्वेस्टिंग, विच इज कॉल्ड एज रेशियोज। सो लेट्स सी व्हाट आर द रेशियोज दैट एवरी इन्वेस्टर शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट रेशियो इज पीई रेशियो। पीई रेशियो जिसे हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी कहते हैं। पीई का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि पी का मतलब होता क्या है। सपोज एक कंपनी है जिसकी ओवरऑल अर्निंग है 2000 रुपीज एंड उस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स मार्केट में फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। सो कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए विल डू अ शॉर्ट कैलकुलेशन, विच इज 2000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 शेयर, विच कम्स टू 20 रुपीज। हम ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी 100 रुपीज पर शेयर पर चल रही है, मतलब अवर पी रेशियो वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 20 विच विल कम टू 5। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पी रेशियो से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज ओवर वैल्यूड है या कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो हाई है देन देयर आर चांसेस कि वो स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रेशियो विच इज आरओई। आरओई रेशियो का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। दिस वन लुक्स क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी। आरओई की मदद से इन्वेस्टर्स को ये पता चलता है दैट कंपनी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न जनरेट करके दे रही है। चलिए इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज कि एक प्रमोटर है जिसके पास टोटल इक्विटी है 1000 रुपीज की, मतलब हमारे पास टोटल इक्विटी है वो है 1000 रुपीज की। अब जो प्रमोटर है वो अगर यही इक्विटी को इन्वेस्ट करके 200 रुपीज की इनकम जनरेट करता है तो हमारा आरओई वुड बी 20%। एंड द फैक्ट इज जितना ज्यादा किसी कंपनी का आरओई होगा उतना ही अच्छा एक कंपनी परफॉर्म करेगी। बट स्टिल पी रेशियो एंड आरओई रेशियो वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। नाउ कम्स अवर थर्ड रेशियो विच इज पीबी रेशियो। पीबी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ना डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे आपको कोई बुक रीड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बुक होता है बुक वैल्यू, जहाँ कंपनी की मार्केट वैल्यू को डायरेक्टली कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। समझ लो एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है 2000 रुपीज एंड हमें उस कंपनी की बुक वैल्यू निकालनी है। सो मान लेते हैं कंपनी को 800 रुपीज का रीपेमेंट करना था एंड 400 रुपीज कंपनी ने कुछ एसेट्स बेचकर अर्न कर लिए। अब कंपनी की वैल्यूएशन होती है 2000 माइनस 800 प्लस 400 विच कम्स टू 1600 रुपीज, जो कि कंपनी की बुक वैल्यू है। एंड कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स है, सो बुक वैल्यू पर शेयर होती है 1600 डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स टू 16 रुपीज। अब फिलहाल कंपनी का पर शेयर मार्केट प्राइस है 160 रुपीज एंड पीवी रेशियो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर विच इज 160 रुपीज एंड बुक वैल्यू पर शेयर जो कि है 16 रुपीज। तो पीवी रेशियो आएगा 160 डिवाइडेड बाय 16 विच कम्स टू 10 एंड दिस इज हाउ पीवी रेशियो इज कैलकुलेटेड। और एक बात, जितना पीवी रेशियो हाई होगा वो स्टॉक उतना ही ओवर वैल्यूड हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेशियो विच इज डेट टू इक्विटी रेशियो पर। डेट टू इक्विटी रेशियो एक सच में बहुत इफेक्टिव रेशियो है जिससे हम कंपनी के टोटल डेट के बारे में जान सकते हैं। अगर हम मान लें कि किसी कंपनी का टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो है 2:1, देन उसका मतलब एक कंपनी के ऊपर टोटल इक्विटी फंड का 2 times डेट है। एंड ये रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, लाइक 3:1, 4:1। बट अगर ये डेट रेशियो 2:1 है या उसे नीचे है देन वो आइडियल रेशियो माना जाता है। नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कंपनीज टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड अगेन इट इज नॉट स्टेबल इन एवरी सेक्टर, क्योंकि हर सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो अलग अलग रहेगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन देयर एफिशिएंसी। तो ये थे ऐसे टॉप 4 रेशियोज जो हर इन्वेस्टर को स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखना चाहिए। एंड अगर आप ये 4 रेशियोज को स्टडी करके कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे देन डेफिनेटली इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वेट, फिर इन रेशियोज के अलावा ऐसे और कौन से दूसरे रेशियोज हैं जो हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करने चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा।
एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।